मॉडल एवरीथिंग, आपकी वो शनाख्त थी. फिर इतना सब कुछ अपने करियर के अच्छे पीक पे, आप यू नो आपको पता है मीडिया में हो, आप एक करते हो ड्रामा, फिर आपको 10 और ऑफर्स आती हैं, एक ऑफर लेते हो मॉडलिंग की 10 और आती है, उसको ब्लॉक करके जब आपने अपने आप को चेंज किया, आपने अपनी शनाख्त चेंज की, तो उन ऑफर्स का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ. आई वॉज जस्ट डूइंग अ मॉर्निंग शो और उसमें देखें आप वो चीजें जिंदगी में करें जो आपके दिल को लगती है. बिल्कुल. अगर आप यहाँ मॉर्निंग शो कर रहे हो और वो करना या वो समहाउ आप बहुत सारी चीजें लोगों के लिए कर रहे होते हैं, मगर कुछ चीजें अपने से भी तो रिलेटेड होती है. कई दफा आप बहुत तंग आ जाते हो कोई चीज कर करके, बिकॉज आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती. बिकॉज वी आर ऑल लुकिंग फॉर दैट कंटेंटमेंट, जो आपको इत्मीनान चाहिए होता है जिंदगी में. तो वो भी उस स्ट्रगल में भी थी और वो सब कुछ. और कोई हार्डशिप्स थी जो फेस करनी पड़ी? हार्डशिप्स हर जगह होती हैं. हाँ. मैंने हार्डशिप्स को कभी हार्डशिप्स समझा नहीं, वरना आज मैं यहाँ ना होती जहाँ पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सो ये हार्डशिप्स तो जिंदगी का हिस्सा है. बड़ी खूबसूरत बुजुर्ग ये बात कहते हैं कि जब तुम्हारे सामने मुश्किल आए तो ये मत कहो कि ये मुश्किल बड़ी है. हाँ. बल्कि ये कहो कि हमारा रब इन तमाम मुश्किल से ज्यादा बड़ा है. सो यू नो मैं रिसर्च कर रही थी मुहर्रम के शोज में, पहले भी तस्करा हुआ. सो जब वो रिसर्च कर रहे थे वही आइडेंटिटी की बात कि अगर मैं मुसलमान हूँ और चार लड़कियां हैं, ज्यू है, क्रिश्चियन है, हिंदू है और डिफरेंट मजाहिब से अगर लड़कियां बैठी हुई हैं, तो हाउ वुड पीपल रिकग्नाइज कि ये लड़की कौन है? तो मेरा हिजाब इज गोइंग टू बी माई शनाख्त. वो जो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है ना हम सब. सो वो जब मैं कन्विंस हो गई, और इस दुनिया से आपको पता है जब आप जाते हैं तो औरत के सर पे हिजाब होता है, ये कफन का हिस्सा है. सो व्हाई नॉट इन दिस वर्ल्ड? सो द पॉइंट इज कि कुछ चीजें आपको क्लिक करती हैं. मैं आपको ये बात बता दूं कि हिजाब लेने जब लेना शुरू कर देते ना, इस्लाम इज एन इंस्टीट्यूट, यू वेयर अ हिजाब एज योर यूनिफॉर्म. और जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो उस इंस्टीट्यूट के जितने वैल्यूज होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं. और शनाख्त, शनाख्त का जिक्र है तो शनाख्त जो आपका ड्रामा चल रहा है उसमें जिस जो लड़की हिजाब कर रही है या जो जिस तरह से वो कर रही है, आप उस लड़की का लहजा देखें, उसका कैरेक्टर देखें, उसकी बात करना देखें, उसका मैनरिज्म देखें, उसका बिहेवियर देखें. ये सिर्फ अ पीस ऑफ क्लॉथ इज नथिंग, सब उसके साथ चीजें अटैच होती हैं, बिहेवियर. एब्सोल्युटली नहीं उरूज, लेकिन मैं ये पता करना चाहती हूँ कि अगर अभी अभी आपको मॉर्निंग शो ऑफर हो, आप यू ओके विद डूइंग इट? या आई डोंट हैव एनी इश्यू. तो मैं ये पूछ रही हूँ हिजाब की वजह से क्या किसी ने कहा कि बस आप ये हिजाब आप अगर हटा देंगी तो वी आर गुड टू गो? एब्सोल्युटली. रमजान ट्रांसमिशंस के अंदर कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसमें मेरा नाम रेकमेंड नहीं किया गया था, बिकॉज उन्होंने कहा, लोग कहते थे कि सर हिजाब करती है और रमजान के शोज में इस्लामी बात है तो चलो ठीक है. बट इश्यूज जो मुझे बाद में पता चले लोगों से, मेरे को एंकर्स जिन्होंने बनना था उन्होंने कहा कि तुम्हें इसलिए नहीं रखा गया बिकॉज दे सेड कि अगर हिजाब हो जाएगा तो बाल तो नजर नहीं आएंगे और वो यू नो ऑल दैट स्टफ. सो आई डोंट थिंक रूच को के साथ कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि वो तो प्रॉपर हिजाब करती है और वो उसी तरह कंटिन्यू. और अगर मुझे कोई कुछ कहता तो ऑब्वियसली मैंने एक दो लोगों को कहा था कि हिजाब और नथिंग. आई मीन आर यू, किसी ने कहा आपको आप हिजाब उतार दें तो फिर बस एब्सोल्युटली. मुझे बस एक चीज नहीं समझ आती कि आप किसी को ऐसा कैसे कह सकते हैं. मतलब आप किसी को ये नहीं कहते कि डाल लो, तो आप ये क्यों कहते कि उतार लो? बस ये मुझे नहीं समझ आती. इसके बारे में हम बात